أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is Muhammad Yunus Kasrani and you're watching Ilmi Preacher YouTube channel. आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड ने जो न्यू SLOs पेश मतलब हमें दिए थे उसमें उन्होंने बाकी जो सोल्यूशंस थे वो तो अपलोड कर दिए, बट इंग्लिश उर्दू का जो सोल्यूशन था वो रह गया था हर क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है. तो वो सोल्यूशन जो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा जो कि फेडरल बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है, तो उसकी कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट मतलब यहाँ पे आपको 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के इंग्लिश उर्दू सारे पीडीएफ मिल जाएंगे. एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये इनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी पुट कर दूँ, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब चलते हैं क्लास 9th से इसको स्टार्ट देते हैं. क्लास 9 उर्दू की तरफ चलते हैं, इंग्लिश की तरफ, ठीक है. ये हमारे पास क्लास 9 की इंग्लिश है, इसको अगर हम अगर मेन स्क्रीन पर इस तरह कर लें तो इट वुड बी लाइक दैट. सो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने MCQs ऑप्शन आपको मतलब सॉल्व करके दिए हुए, रीज़न नहीं बताए हुए, जस्ट सॉल्व किए हुए. और इसके अलावा ये जो आपका पैसेज है, ठीक है, इसका आपको इसको सोल्यूशन करके नीचे उन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स समरी पैसेज वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है. उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलें तो इनके आपके जो जो भी आंसर्स वगैरह हैं वो यहाँ सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड आप देख सकते हैं, ठीक है. तो इसके अलावा जो है यहाँ पे पैराफ्रेज है, पैराफ्रेज भी देखें कितनी दो लाइनों में कंप्लीट किया हुआ है. तो ये भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नोटिस करनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं, किस तरह की हैं. ये उन्होंने 3 लाइन्स के अंदर कवर किया. अगर हम मतलब इसको लिखें तो बहुत ज़्यादा लाइनों में लिखते हैं तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करें, ठीक है. उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लॉथ एंड मशीन, ठीक है. मतलब डिफरेंट यानी आपको सिचुएशन देंगे उसके मुताबिक आपने इसको कवर करना है. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे, ठीक है. एंड देर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो अब यहाँ इन्होंने जो है वैसे भी डिटेल्स वगैरह पुट की हुई है कि आपने लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, ईमेल कैसे लिखनी है. एंड क्योंकि पहले ईमेल का वो नहीं था, अब ईमेल का उन्होंने चॉइस पुट कर दिया, तो ये भी आपको यहाँ पे सेक्शन सी में मिल जाएगा, ठीक है. उसके अलावा अगर हम मूव करें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आप वर्ड से आपको कंप्लीट करनी है. मूविंग नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है पैराग्राफ आएगा 8200 वर्ड्स, ठीक है. एंड देन उसका यहाँ पे मतलब मॉरल वगैरह सब वो भी लिखा हुआ है, साथ में आप ये कह सकते हैं कोट वगैरह उन्होंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है. उसके बाद ट्रांसलेशन वगैरह आ गई, ठीक है. एट द लास्ट यहाँ पे आपको डायलॉग भी मिल जाता है, ठीक है. इसमें चॉइस होती है. तो ये जो था हमारे पास SLO था किसका, इंग्लिश जो है 9th क्लास का. नाउ गोइंग टू वर्ड उर्दू 9th क्लास, ठीक है. अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, कोई और क्लास है, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड गो फॉरवर्ड. यानी आपको जो डिजायर्ड है आप उसी भेजें. तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने इसमें जो आंसर्स नहीं पुट किए हुए, आई थिंक लास्ट में ये बिल्कुल लास्ट में उन्होंने पुट किए हुए, ठीक है. तो ये आप आंसर्स देख सकते हैं, इनको कोई रीज़न इनकी भी नहीं है लेकिन आंसर्स गिवन है, ठीक है. ये पैराफ्रेजिंग वगैरह उर्दू में जिस तरह इंग्लिश में उसी तरह उर्दू में यहाँ पे आपको सवाल दिए जाएंगे देख के आंसर करने, वो इन्होंने आंसर किए हुए, ठीक है. एंड देन जो है आप हिस्सा नसर, ऐशा शेर, हिस्सा कवायद. एंड देन एट थर्ड जो है यहाँ पे ग्रामर पोर्शन के बाद हिस्सा सोम. यहाँ पे इबारत की तशरीह करें, ठीक है. तशरीह के बाद अगर आप देखें तो गज़ल नज़म की तशरीह, ठीक है. तो ये सब कुछ आपके पास में आ जाता है. उसके बाद अगर मैं चलें तो हमारे पास जो यहाँ पे और चीज़ें आती हैं, एक तफरी सफ़र की रुदात तहरीर करें, ठीक है. रुदात पहले भी थी, अभी भी है. उसके अलावा यहाँ पर डायलॉग आएगा उर्दू में, मुकालमा आएगा, तो ये भी आप देख सकते हैं. तो ये था हमारे पास उर्दू 9th क्लास का. नाउ मूविंग टूवर्ड इंग्लिश 10th, ठीक है. इंग्लिश 10th की तरफ हम चलते हैं. सो इसमें हमारे पास थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं एंड देन इसको डिस्कस करते हैं. ये भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स गिवन है इसी तरह, और पैराफ्रेज वगैरह सब कुछ, समराइजेशन एट्सेट्रा, ठीक है. आप इसको फोटो कापी करवाएं, देन इसी के बारे से आप इस जो है इसको प्रैक्टिस करें एंड देन आपकी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है. आपको यहाँ से कुछ चीज़ें आप देखने को मिल सकती हैं कि क्या क्या इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, हमें क्या उसके बारे से करना है, क्या मतलब इन्होंने देखें ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कितने मार्क्स के और उन्होंने कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, तो उसे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई इतने इन्होंने लिखा हुआ है तो हमें भी इसको इतना ही लिखना है, ठीक. हो गया, ये 10th का हो गया, 10th का इंग्लिश हो गया. नाउ मूविंग टू 10th उर्दू एंड देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर क्लास की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. तो ये जो आपके पास दाम जमात का, ये उन्होंने MCQs सॉल्व दिए हैं, ठीक है. और ये बात को देखिए गौर से देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है. इसके अलावा जो है ये उन्होंने तकरीबन 2 पेजेस के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश की है, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं लिखे, जस्ट इन्होंने आंसर पुट किए हैं, जल्दी वाला काम किया है. सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है. तशरीह वगैरह और वक्ती पाबंदी ऐसे वगैरह ये सब कुछ इसमें आ जाता है. मूविंग नेक्स्ट, क्योंकि ये इन्होंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, आपको ग्रामर वगैरह में सब कुछ मिल जाता है, जस्ट एक पैटर्न देना था, उसको सॉल्व करना था कि बच्चे लिखेंगे कैसे. फर्स्ट ईयर इंग्लिश की तरफ चलते हैं. ये हम देखते हैं इसमें कि इसमें अभी आप देखें तो आपको MCQs सॉल्व मिलेंगे, ठीक है. इन्होंने डॉट से फिल कर दिए. और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको पैराफ्रेज वगैरह, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस. इसके अलावा यहाँ पे इसकी भी समरी है, यानी हर क्लास के तकरीबन क्वेश्चन 1 सेम है, ठीक है. एंड पैराफ्रेजिंग वो तकरीबन हर क्लास में सेम है, तो कुछ चीज़ें सेम ही है. यहाँ पे आपको ये राइमिंग स्कीम या मतलब ये वाले जो है मतलब पॉइंट्स ही मिलेंगे, तो ये आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th हर क्लास में मिलेंगे, ठीक है. सेक्शन सी में अगर आप देखें तो रेज्यूमे लिखना होगा, सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, ठीक है.
एंड मूविंग नेक्स्ट, ये इन्होंने वैसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नंबर दिया हुआ है, और मतलब इन्होंने ये डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, यानी एक पैटर्न प्रोवाइड कर दिए, तो आपके लिए इजी होगा कि उसको कैसे करना है। करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेज वगैरह, आप ये पहले नहीं था तो ये भी इन्होंने पुट कर दिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, इस तरह फिर फ्रेजल वर्ब, पंक्चुएट द फॉलोइंग, एंड ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा मूव करते हैं फर्स्ट ईयर जो है उर्दू की तरफ, फर्स्ट ईयर उर्दू। तो फर्स्ट ईयर उर्दू में अगर हम देखें हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज़ के आंसर्स दिए हुए हैं, इसी तरह पैराफ्रेज वगैरह सब कुछ सेम ही है, ठीक है, दिस नो चेंज, और नज़मी अशार वगैरह इनकी तशरीह वगैरह, उनके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, ठीक है, ससों में आपके पास पैराग्राफ की तशरीह आ जाती है, गज़ल नज़म की तशरीह आ जाती है, और जो है इसके अलावा आपके पास ऐसे आ जाता है उर्दू में, ठीक है, ख़त आ जाते हैं, ज़रूरत ज़रूरत ऐजाद की माँ है ऐसे, बल्कि सेकेंड ईयर में होता है यहाँ पे आपके पास कहानियाँ आ जाती है, कहानियाँ रुदाद वगैरह ये मुकालमे वगैरह आते हैं आपके पास। फर्स्ट ईयर हो गया, आप चलते हैं सेकेंड ईयर उर्दू की तरफ, देन सेकेंड सॉरी सेकेंड ईयर इंग्लिश, देन सेकेंड ईयर उर्दू। तो ये आपके पास जो इसका इंग्लिश का एसएलओ है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसके अलावा ये जो पैसेज है आपका ये सॉल्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके हवाले से मैं दोबारा सेपरेट जो है इसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, लेकिन इसमें जस्ट आपसे ये शेयर करना था, ठीक है। तो ये आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, ग्रामर सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग, ये आपको ऐसे मिले। देखिए ऐसे इन्होंने कितना छोटा लिखा हुआ है, यानी अगर हम इसमें करें तो तकरीबन हार्डली ये 200 to 300 वर्ड बन जाते हैं, इतने का, यानी आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। उन्होंने वैसे भी इतना भी कहा हुआ है कि 200 to 300, सो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आप यहाँ पे जो है यहाँ पे करेक्शन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, और ये इडियम्स वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, एंड एट द लास्ट आपको जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है डिफरेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। उसके अलावा चलते हैं उर्दू के पेपर की तरफ सेकेंड ईयर, ठीक है, तो ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास उर्दू आ जाता है। ये जो थोड़ा सा इन्होंने रफ सा बनाया हुआ, लेकिन इट्स ओके, हमारा काम चल जाएगा, एंड वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एम सी क्यू इन्होंने सॉल्व किए हैं, ठीक है, यहीं पे इन्होंने तस्वीरें लेके उसको बाद उसको सॉल्व किया, तो ये आप यहाँ पे सॉल्व है, क्वेश्चन आंसर इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, कोई पैसेज वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी डायरेक्ट सॉल्व है। तो इसके अलावा शायर को फलसफी और गर्ज क्यों नहीं है, और सारा सब कुछ मतलब ठीक है। तो आखिर में आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाता है, एंड डिफरेंट आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तलबा और तामीर वतन एटसेट्रा, इंटरनेट, तो ये पसंदीदा नावल निगार, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट एस एल ओज, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा आप इन्होंने हेल्प की होगी, ठीक है, एंड जो है इनको आप करें, इनसे अच्छी तैयारी करें, ठीक है, इनको देखें और इनसे जो है अपने कौन सा कंसेप्ट वगैरह एस एल ओ के मुताबिक आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कोई इशू बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।